नाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको वहीं ले चलते हैं अलीगढ़। वर्ष के दौरान 1,52,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। पहले किसानों को पैसा नहीं मिलता था, चीनी मिलें बेची जाती थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलें बेची जाती थी, दलालों को उसमें हावी करवा दिया जाता था, अराजकता का तांडव होता था। और भाइयों बहनों, विकास के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कहीं पे हरद्वारगंज का पावर प्लांट, कहीं सब स्टेशन, कहीं स्मार्ट सिटी में आईपीएमएस की परियोजना का उद्घाटन, कहीं पे फायर स्टेशन, कहीं पे स्कूल का निर्माण, कहीं चिकित्सालय का निर्माण, कहीं सड़क का निर्माण, ये जितने कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो आपके माध्यम से टैक्स से सरकार को प्राप्त होता है, यही पैसा हम लोग विकास के कार्य में खर्च करते हैं। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज आप जो सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवानों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, ये पैसा पहले वहीं चला जाता था। भाइयों बहनों, पिछली सरकार की कोई विकास की सोच नहीं थी, पिछली सरकार की विकास की कोई सोच नहीं थी, उनकी सोच केवल परिवारवाद और वंशवाद तक थी। अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन चिन करके बना करके जमा करके रखते थे और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे। ये तो सब जानते हैं। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी, और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है। और कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। उनकी चिंता गरीब को मकान मिले, गरीब को बिजली मिले, गरीब को शौचालय मिले, नौजवानों को मोबाइल और स्मार्टफोन मिले, ये नहीं, उनकी चिंता तो माफिया और अपराधी है। उनकी चिंता माफिया और अपराधी है। वे इस बात के लिए चिंतित रहते हैं आखिर हमारी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पावर प्लांट लग रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत जल्दी आपका अलीगढ़ का एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार होने वाला है, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर पहले ही स्थापित किया जा चुका है, शिलान्यास हो गया है, कुलपति की नियुक्ति भी हो गई है, नए सत्र में विश्वविद्यालय कार्य भी करना प्रारंभ कर देगा, मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई है। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले कहां जाता था? आज गरीब के लिए मकान बन रहे हैं,
45 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया गया है, 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दिया गया है, 1,28,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए गए हैं, 1,21,000 गांवों में बिजली की लाइन बिछाई गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कैसे परिवर्तन होता है, विकास किस स्पीड के साथ दौड़ता है, ये डबल इंजन की सरकार का यही डबल लाभ होता है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में ये मंच पर बैठे हुए लोग ही जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन कर रही थी। अलीगढ़ में मैं स्वयं भी आया था, कोरोना कालखंड के दौरान दो बार आया था, पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में मैं गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना के दौरान क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपके बीच आए थे? क्या बहन जी आई थी? और दिल्ली वाले और इटली वाले भाई बहन, इनका किसी का पता नहीं था ना? भाइयों बहनों, 22 महीने हो गए हैं, 22 महीने में 20 महीने ये लोग गायब थे। आप मुझे एक बात बताइए, यहां तो हमारे ही युवा है, जो लड़का साल भर स्कूल नहीं जाएगा और अंतिम एक महीने स्कूल जाकर के कहेगा कि वो टॉप कर लेगा, तो क्या टॉप करेगा? मैं अपने युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या वो बताइए मुझे, क्या टॉप कर पाएगा? तो ये लोग वही करना चाहते हैं। क्लास अटेंड हमने की, ये सब लोग कर रहे थे, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने तो प्रत्येक कार्यकर्ता से कहा कि सेवा ही संगठन है, जनता जनार्दन को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य योजना का लाभ, और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन।